हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से। आज मैं आपको होम साइंस में सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पार्ट क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन में जो आपका फर्स्ट पार्ट में जो आपकी सेकंड यूनिट है जिसमें आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जिसमें आप कॉटन है, लिनन है, वूल है, सिल्क है, उसके अलावा रेयन है, और इनके बारे में आपको अच्छे से जानना है। तो जिसमें मैंने सिल्क की जो संगठन है, रचना है, रेशे की लंबाई है, आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है और हीट कंडक्टिविटी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हीट कंडक्टिविटी का मैं थोड़ा सा एक बार और आपको बताना चाहूँगी कि ये जो रेशा होता है वो कैसा होता है, प्रोटीन जो है उससे बना होता है और ये ताप का अच्छा संचालक नहीं होता है क्योंकि ये ताप का ऋणात्मक संचालक होता है और ये शरीर की जो गर्मी होती है उसको ये बाहर नहीं निकलने देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये गर्म होता है। जैसे कॉटन लिनन होते हैं वो कपड़े कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं और हमें ठंडक पैदा करते हैं, वहीं पर अगर हम रेशम की बात करें तो ये गर्म रेशम के इस श्रेणी में ही आता है। अब इसका टेम्परेचर की बात करें कि टेम्परेचर का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके जो रेशे होते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं यानी सॉफ्ट होते हैं और जब इनमें गर्मी जो है अत्यधिक जो गर्मी पड़ती है तो रेशे को क्या होती है, हानि पहुँचती है। लेकिन साधारण गर्मी में अगर हम साधारण नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो उसका रेशो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम गर्म आयन करते हैं या सफ़ेद रेशम पीले रंग की हो जाती है, अगर हम ज़्यादा गर्म आयन कर देते हैं या स्टी कर देते हैं तो वो कैसी हो जाएगी, रेशम बहुत ही ज़्यादा पीले रंग की हो जाती है और रेशम का रेशा 300 डिग्री फ़ारेनहाइट के ताप पर क्या होता है, नष्ट होने लगता है। इस बात का हमें देखना चाहिए। फिर है इफेक्ट ऑफ एयर, हवा का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें जानना जरूरी है कि रेशम पर हवा का क्या प्रभाव है। तो रेशम को बहुत समय तक हवा में खुला रखने से इसका जो कलर है वो खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। अगर हम ज़्यादा गर्म हवा या धूप में अगर रेशम को सुखाते हैं या रखते हैं तो क्या होता है, ये रेशम जो है बिगड़ जाती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और जो रेशम है वो या तो सफ़ेद ही रह जाती है या उसका जो कलर है जो है वो चला जाता है। अगर हम इसके फ्रिक्शन की बात करें, घर्षण का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या होता है कि जब हम इसे मलते हैं धोते समय अगर इसे हम करते हैं तो ये रेशम की रेशे का जो चिकनापन है वो बिल्कुल ख़राब हो सकता है और रगड़ने मलने से जो रेशम की कोमल रेशे होते हैं उसको हानि पहुँचती है, इसलिए इन्हें धोते समय रगड़ना हमें नहीं चाहिए। तो घर्षण का इस पर क्या है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। रेशमी वस्त्रों के अगर संकुचन की बात करें कि श्रिंकेज का इस पर क्या है, तो रेशम का जो रेशा होता है वो लंबा होने के कारण धोने से क्या है, प्रभावित नहीं होता है और जब इसे हम ढीला करते हैं तो ना वह सिकुड़ता है और ना फैलता है, यानी वो अपने एक अपने आकार लिए रहता है, ना तो वो फैल सकता है और ना ही वो सिकुड़न उसमें पड़ती है। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, मजबूती की, तो यह जो रेशा है वो प्राकृतिक रेशों से मजबूत होता है, परंतु भीगने के पश्चात इसकी मजबूती जो है कुछ कम हो जाती है और सूखने के बाद ये पुनः अपनी मजबूती को प्राप्त कर लेते हैं और इसमें एक रेशे में 5 से लेकर 25 ग्राम तक भार सहने की जो है वो क्षमता होती है और इसीलिए कहा जाता है कि ये एक अकेला रेशा है जो एक कोकून के समस्त भार को खा लेता है। कोकून किसे कहते हैं, तो जो कीड़ा होता है जब इसके लार निकलती है इसकी ग्रंथियों में से तो ये क्या करता है, अपने ऊपर लपेटता जाता है और ये पूरे कोकून का यानी कि ये धागा जो होता है ये जब सूख जाता है तो ये धागा जैसा दिखाई देता है और ये पूरे कोकून का यानी उस कीड़े का और उस लार का सभी का भार कैसा होता है, ये धागा सह लेता है। ये बात इसकी स्ट्रेंथ के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब इसकी बात करें प्रत्यास्थता की यानी इसकी इलास्टिसिटी की, तो इसमें जो इलास्टिसिटी है बहुत ही अधिक, लेकिन जो ऊनी रेशे होते हैं उनसे थोड़ी कम पाई जाती है। ये अपनी मौलिक लंबाई से थोड़ा खिंच जाने के पश्चात भी अपनी मूल लंबाई को प्राप्त कर लेता है, लेकिन क्या होता है कि जब ये हम इसे लगातार खींचें तो क्या होता है, ये फैल जाते हैं और अपने पूर्व जो पहले की इसकी लंबाई होती है उसको वो दोबारा से प्राप्त नहीं कर पाते, यानी अगर हम उन्हें बहुत ज़्यादा फैला देते हैं तो ये फैल जाती है। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो रेशम के रेशे होते हैं, रेशम से बने जो वस्त्र होते हैं, उन्हें ज़्यादा हमें खींचना नहीं है, इनको अपनी ही आकृति में हमें रहने देना है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इसकी इलास्टिसिटी में आप पढ़ते समय। अगर शुद्ध रेशम प्योर सिल्की की बात करें तो इसमें प्रत्यक्षता का गुण जो है वेटेड सिल्क से ज़्यादा होता है। वेटेड सिल्क यानी वजनी रेशम जिसको हम अलग से भारी करते हैं बाद में, तो ये वेटेड सिल्क वो होती है। अब इसकी हम बात करें रेजिलेंसी की, प्रतिस्कंदता की, तो जो सभी प्राकृतिक रेशों से जो रेशम के रेशों में प्रतिस्कंदता का जो गुण होता है वो दूसरे नंबर पर आता है। प्रथम स्थान पर क्या है, ऊन को माना जाता है। अगर हम रेशों को कुचले अथवा ब्रश हो
होने के पश्चात भी अगर अपनी पूर्वाकृति को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु यह रिंकल्स रिकवरी की गति जो होती है वो काफ़ी धीमी होती है और बहुत देर से होती है। जिस चीज़ का आपको देखना है कि जो रेशम के रेशे होते हैं अगर हम उन्हें मुट्ठी में दबा कर छोड़ देते हैं तो इस गुण को सहज से ही हम उसी में परख सकते हैं, यानी हम इसे देख सकते हैं। अब इसकी बात करें शिखर प्रतिरोधकता की, क्रॉस रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, क्रीज अगर रेजिस्टेंस की बात करें, तो इसमें जो है लक्षण गुण होता है और जो रिश्ती वस्त्र होते हैं उन पर जो है जल्दी ही जो से सलटें हैं वो नहीं पड़ती हैं और क्रश होने के बाद भी ये जेबी तो ही बनी रहती हैं और इनमें प्रतिरोधकता का जो है गुण बहुत काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। वहीं अगर ब्रांडेड सिल्क की बात करें तो इसमें कम होता है, लेकिन जो प्योर सिल्क हमारी होती है उसमें ये गुण जो है बहुत अच्छे से चिपकाया जाता है और धातु जो है इसमें अच्छे से चिपके होते हैं, इससे जल्दी क्रश हो जाते हैं और इसी से ये सिकन जो है हमारी दूर हो जाती है। अगर आप उसकी क्लीनिंग की और वॉशबिलिटी की बात करें तो रेशमी वस्त्र का सतह कैसे होता है, चिकना होता है, मुलायम होता है, इसीलिए क्या है जल्दी गंदा नहीं होता और धूलकण मिट्टी प्राकृतिक गंदगी आने चिकनी सतह का फसल कर नीचे गिर जाती है और इन पर लगे दाग धब्बे भी शीघ्रता से जो है छूट जाते हैं। और रेशमी वस्त्रों पर नरम मृदु एवं उदास प्रकृति यानी सॉफ्ट माइल और नेचुरल सॉफ्ट डिटर्जेंट के साबुन अथवा शोधक पदार्थ से हमें धोना चाहिए। अगर इसकी रचना की आयु बढ़ जाती है तो इनमें बिखराव आ जाता है, रेशे कमजोर हो जाते हैं, कपड़ा जो है वो जल्दी से खराब हो जाता है। तो इसमें ड्राई क्लीनिंग हुए तो बहुत ज़्यादा तक संभव हो तो आप ड्राई क्लीन ही इन कपड़ों को करवाएं और हल्के गुनगुने पानी से इन कपड़ों को धोना चाहिए, यानी ज़्यादा से हमें गर्म पानी में नहीं धोना चाहिए। अगर बात करें कि इस पर फंगस का क्या प्रभाव पड़ता है या कीड़ों का इनका क्या प्रभाव पड़ता है, तो सिल्क के जो वस्त्रों में फफूंदी है वो कभी नहीं लगती क्योंकि ये गुड़ किस्में होता है कार्बोहाइड्रेट वाले जो होते हैं यानी कपास में और लिनन में तो फफूंदी लगती है। वहीं क्या है ये सिल्क जो है वो हमारा रेशम जो है वो प्रोटीन रेशम माना जाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी विद्यमान होता है, प्रोटीन रेशम में जो है फफूंद कभी नहीं लगती है, बल्कि ये वस्त्रों को क्या है जो कीड़े होते हैं वो खा जाते हैं और ये बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालते हैं, इससे क्या होता है कपड़ा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। और वस्त्रों को संरक्षित करते समय हमें नीम की पत्तियाँ या नेफ्थलीन की जो गोलियाँ होती हैं उनको हमें यूज़ करना चाहिए। तो आपको पता चल गया कि रेशम की क्या विशेषताएँ हैं, इनके संगठन रचना, रेशम की लंबाई, आर्द्रता का क्या प्रभाव है, ताप का क्या प्रभाव है, उसका संचालन कैसा है, हवा का क्या है, घर्षण का क्या है, रेशमी वस्त्रों का संकुचन और मजबूती आपने जान ली। इसके अलावा प्रत्यास्थता, उसकी प्रतिस्पंदता, शिकन प्रतिरोधकता, उसकी क्लीनिंग और इसके कीड़े का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी चीज़ें आपको पता चल गई है कि रेशम की क्या हमारी क्या जो विशेषताएँ हैं वो आपको आज पूरी हमने आपको क्लियर कर दी है। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद मैं आपको रेशम की जो रासायनिक विशेषताएँ हैं यानी इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिल्क की उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए और ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूँगी। धन्यवाद।